अच्छा, तो बात ये हो रही थी कि सबसे पहले हमें हमने जो मेथड है वो हमने स्टार्ट करना है प्रोडक्ट हंटिंग से, ठीक है। प्रोडक्ट जितनी जितनी ज्यादा अच्छी प्रोडक्ट हंटिंग होगी उतनी ही ज्यादा हमारी सेल होगी। हमारी सारी की सारी सेल डिपेंड करती है हमारी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर। या प्रोडक्ट हंटिंग के लिए हमारे पास दो तीन टूल्स हैं, ये फ्री एक्सटेंशन हैं, हर बंदा अपने अपने लैपटॉप के अंदर कर ले, ठीक है। ये इसके ऊपर फ्री वाले वर्जन भी है, पेड वर्जन भी है, लेकिन हमें जो जरूरत है वो फ्री वाले वर्जन में हमारा काम कर देते हैं। हमें जरूरत नहीं होती कि इसके ऊपर हम बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करें। लेकिन हाँ, जब हम होलसेल के अंदर जाएंगे या प्राइवेट लेबल के अंदर जाएंगे तब हमें इनके पेड वर्जन की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल गूगल के ऊपर आएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन। हाँ, ये क्रोम एक्सटेंशन, ठीक है, ये हीलियम 10 की क्रोम एक्सटेंशन है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये लगी हुई है, तो मैं दोबारा नहीं करेंगे, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए कि ये कैसी होगी। यहाँ से ये पड़ी हुई है क्रोम एक्सटेंशन डाउनलोड और एक्सटेंशन, ठीक है, ये करेंगे। उसके बाद उसे वो आपकी खुद ब खुद ही गूगल के अंदर यहाँ पे शो हो जाएगी। दूसरी आपने करनी है ये वाली ऑन सेलर, ये हम ये दूसरी एक्सटेंशन ये कर। तीसरी है कीपा की, ये कीपा क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे, ये भी फ्री वर्जन में डाउनलोड हो जाती है। तीन एक्सटेंशन है जो हमारी हेल्प करती है हमें प्रोडक्ट ढूंढने के अंदर ना। तो ये तीनों एक्सटेंशन आपने कर लेनी है। करने के बाद आपने नॉर्मली इधर यहाँ पे आएंगे मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस आपने जॉन थी भी सिलेक्ट करनी है, यूएसए की करनी है, यूके की करनी है। उसके बाद हमने यहाँ बेस्ट सेलर कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। बेस्ट सेलर कैटेगरी में हमने जाना है ग्रॉसरी के अंदर, क्योंकि यहाँ पे एक तो छोटी आइटम होती है, क्योंकि हमने बहुत बड़ी बड़ी आइटमों को हाथ में डालना, हमारी लिमिट होनी चाहिए $10 से लेके $50 तक की। जितने भी प्रोडक्ट हैं, जो पोटेंशियल हैं और प्रोडक्ट है, सेल्स रैंक अच्छा है, रेवेन्यू अच्छा है, ठीक है, हमने वो बेचनी है। हमने 200, 300, $500 वाली प्रोडक्ट नहीं बेचनी, क्योंकि उन उनमें ये लॉस हो सकता है, ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं कि एक तो उनके ऊपर हमारा बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होते हैं, और दूसरी बात ये है कि एक भी रिटर्न लेना पड़ गया, क्योंकि हमारा वहाँ पे कोई वेयर हाउस नहीं होता, वहाँ पे हमारा कोई अपना पर्सनली घर नहीं होता, जो अगर कोई वापस करना चाहे हम वापस ले लें, क्योंकि हम जिन थर्ड पार्टी से उठा रहे होते हैं प्रोडक्ट, उठाने के बाद हमने डायरेक्टली शिप करवा देनी होती है। तो हम अगर इस वजह से कि हम बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोडक्ट्स है, वो बाद में जब वो रिटर्न करना चाहिए कोई एलिगेशन आ जाती है या ख़राब होती है, वो हमारे लिए सरदर्द बन जाती है, कि हम इसलिए कहते हैं कि आप छोटी से छोटी आइटम्स के अंदर हाथ लग डालो, ताकि उसके अंदर हमें एक तो प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा अच्छा है, अगर कोई रिफंड लेना चाहे, रिटर्न करना चाहे, वो हमारा बहुत ज़्यादा एक लॉस नहीं होता, वो मिनिमाइज होता कि हम उसे डेली बेस के ऊपर बेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर 100 ऑर्डर उठाएंगे, 100 में से 2, 4 या 10 ऑर्डर वो हमें बैक आने होते हैं, तो क्योंकि हमने बेसिक प्रोडक्ट देखी नहीं होती, हमें पता नहीं होता यार ये जो हम थर्ड पर्सन से करवाएंगे ये एग्जैक्टली इसी पैकिंग के अंदर जाएगी या आवाज नहीं आ रही भाई। हेलो, डिस्कनेक्ट हो गई है। आ जाते अभी उसका, आई थिंक इंटरनेट बंद हो गया होगा, कोई इशू आया होगा। अच्छा, चलो कोई इशू नहीं। आवाज आ रही? हाँ हाँ भाई, आवाज आप भाई है दानिश। आ रही है, आ रही है, तो तस्वीर भी स्क्रीन आ इस, रही थी अब तो। हाँ तो ये इधर से स्टार्ट की थी ना, स्क्रीन शो हो रही है? स्क्रीन शो हो रही है? अभी नहीं शेयर हुई। नहीं नहीं और ये इधर से आपने करनी है ना, होस्टेड डिस्प्ले पार्टिसिपेशन स्क्रीन शेयरिंग, उधर से कर रहे हो ना आप, उधर से आपने लॉक कर दी। ओके ओके, एक मिनट बस, वो आप डिस्कनेक्ट हुए थे ना इस वजह से। वो बाद में नेट प्रॉब्लम कर जाता है। हो गया हो गया, आप शेयर करें।
जी हो गई शेयर। हाँ जी हो गई है। हाँ जी हो गई। तो मैं ये बात कर रहा था, सबसे पहला मेथड है कि प्रोडक्ट हंट करनी, हमने ऐसी प्रोडक्ट हंट करनी है कि हम प्रोडक्ट लगाएं और हमें फौरन से ऑर्डर आना शुरू हो जाए। ठीक है, अब हम बेस्ट सेलर कैटेगरी के अंदर आ गए। बेस्ट सेलर कैटेगरी के अंदर हमने जनाबे वाली ग्रॉसरी को चूज कर सकते हैं, होम एंड किचन है, पेट सप्लाई है, ऑफिस सप्लाई है, ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि ये गैजेट्स हैं, ये छोटे छोटे जो प्रोडक्ट्स हैं। बेबी कैटेगरी बहुत अच्छी है इसमें। ठीक है, इनमें से आप 5 या 10 कैटेगरी आप चूज कर लें, यार इनके अंदर हमने ना अपनी चीजें लगानी है, बेचनी है और इसी से हमने रेवेन्यू उठाना है। तो सबसे पहले मैं बता रहा था कि हमने ग्रॉसरी है प्रोडक्ट एक कैटेगरी, उसके अंदर बहुत अच्छा मार्जिन प्रॉफिट मिल जाता है, सेल बहुत अच्छी आती है, तो उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये ग्रॉसरी एंड गवर्नमेंट फूड्स, ठीक है, इसको हमने सिलेक्ट किया। फिर इसके आगे सब कैटेगरी है, ठीक है, बेबी फूड है, बेवरेज है, बेकर के आइटम है, ब्रेकफास्ट फूड है, कैंडल है, यानी कि डिफरेंट इसकी आगे फर्दर कैटेगरी है। ठीक है, हम हर कैटेगरी को फर्दर फर्दर चेक कर सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। हम जो जोन से भी हम लगेगा ये प्रोडक्ट अच्छी है, इसको हम बेच सकते हैं, ये हॉट प्रोडक्ट है, ये हॉट सेलिंग है। इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें हैं जो आपने अपने अपने जहन में रखनी है। हमने सबसे पहले इसके ऊपर, क्योंकि मैंने पहले बताया कि लगा हुआ है, एक्सटेंशन लगी हुई है, ये एक्सटेंशन हमें यहीं बाहर मेन पेज के ऊपर भी रिजल्ट शो करवा देती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये एक प्रोडक्ट नज़र आ रही है मुझे, ठीक है, इसको ये हमें बाहर ही बता रही है कि इसका 5 स्टार इसको मिले हुए हैं, 81,322 इसकी रेटिंग है। इसके अंदर आगे वेरिएशन है, वेरिएशन वो $7,99 से लेके $65 तक ये बिक रही है। अब हम इसको ओपन करते हैं, इसको खोलते हैं कि ये क्या चीज़ है। देखिए यहाँ पे हमने प्रोडक्ट का करना होता है एनालिसिस, ठीक हो गया। इसमें हमने सबसे पहले इसका चेक करना है, इसका 5 स्टार है ये, ठीक है। एक तो जो भी प्रोडक्ट हम सिलेक्ट करने जा रहे हैं एटलीस्ट 4 स्टार होनी चाहिए, लेकिन ये 5 स्टार प्रोडक्ट है हमारे लिए, हमारा क्राइटेरिया जो उसको मैच कर रही है। उसके बाद इसकी जो रेटिंग है एटलीस्ट 100+ होनी चाहिए, ये 100+ से ऊपर है ये भी हमारे लिए यस है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो प्राइस है मैंने बताया $5 से लेके $50 के दरमियान होनी चाहिए, ये $12 की सेल हो रही है, ये भी हमारे क्राइटेरिया में आ गई, ठीक है। उसके बाद इसकी आगे वेरिएशंस हैं, ठीक है, मैंने ये वेरिएशन है, ब्लैक चेरी है, ब्लू वरायटी पैक है, चेरी लिमर्ड है, क्लासिक है, यानी कि जो भी है इसके वो आपने देख लेना है इसमें। अब ये सारी अब इसकी ना फर्दर आगे वेरिएशन, इसको वेरिएशन बोला जाता है जो प्रोडक्ट या जो ब्रांड एक से ज़्यादा ऑफर करवा रहा हो, उसमें फ्लेवर्स हैं। अब ये सारे फ्लेवर्स हैं, फ्लेवर सारे वेरिएशन के अंदर आ जाते हैं। वेरिएशन डिफरेंट टाइप की होती है, साइजेस के अंदर भी हो सकती है, चीज़ों के अंदर भी हो सकती है, और उसके बाद ये इसके अंदर फ्लेवर्स के अंदर भी हो सकती है, इसको वेरिएशन कहते हैं, ठीक है। ये इसकी वेरिएशन है, आपने कोई भी प्रोडक्ट फर्ज कर, हमने ये इस प्रोडक्ट को टारगेट करना है, हमने इसी के बारे में सारी चीज़ देखनी है। आगे फर्दर वेरिएशन भी चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट हंटिंग के, हंटिंग में जा जब हम कर रहे होते हैं कि यार कौन सी प्रोडक्ट हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है। अब ब्लैक चेरी है, ये हमें $12 में बिक रही है। इसके बाद ये मेन होता है बाई बॉक्स, ये सारा रोल अमेजोन में और सेल के अंदर इस बाई बॉक्स का होता है, ये वाला बाई बॉक्स है, वन टाइम परचेज, ये सारा इसको बाई बॉक्स बोला जाता है। इस बाई बॉक्स की मिथ ये है कि जिस बंदे के पास ये बाई बॉक्स होता है, जितने भी ऑर्डर्स आते हैं, जितनी भी उस प्रोडक्ट के ऊपर लोग आके परचेजिंग करते हैं, ये बाई बॉक्स जिस बंदे के पास है सेल उसी के पास जाती है। अब ये बाई बॉक्स किसको मिलता है, ये बाई बॉक्स उसको मिलता है जिसकी जो रेटिंग है अपने जो अकाउंट की पर्सनल, जो उसका पर्सनल स्टोर होता है उसकी रेटिंग 100% होती है, उसका BSR 100% होता है, उसकी डिस्पैचिंग रेट अच्छा होता है, उसका एक ODR ऑर्डर डिफेक्ट रेट होता है, ODR से बोलते हैं, ठीक है, वो 100% एक्यूरेट होता है ये। और जो सबसे मेन चीज़ है जिसकी प्राइस सबसे कम होगी ये बाई बॉक्स उसको मिल जाएगा। यहाँ पे बाई बॉक्स विन करना होता है जब हम अपने प्रोडक्ट एक स्टोर के ऊपर लगा देते हैं, उसके बाद हम देखते हैं हमारे कंपटीटर होते हैं, ठीक है, हम उनके साथ कंपटीशन कर रहे होते हैं। अब ये जिस बंदे के पास ये बाई बॉक्स है वो $12 पे बैठा हुआ, उसने अपनी ऑफर लगाई हुई है, फ्री डिलीवरी फ्राइडे December 10 ऑन ऑर्डर ओवर $25 शिप्ड बाय अमेजोन। अब यहाँ पे अमेजोन इस प्रोडक्ट को खुद बेच रहा है,
ठीक है, तो हम अवॉइड करते हैं जहाँ पे अमेजोन बाई बॉक्स लेके बैठा हो, हम उस प्रोडक्ट को बेचते नहीं है। लेकिन आपको समझाने के लिए ये सारे एक प्रोडक्ट का एनालिसिस पूरा किस तरह कंप्लीट होता है, कि वो हमने देखना होता है सबसे 5 स्टार हो, उसकी रेटिंग 100 से अबव हो, उसकी जो प्राइस है $5 से लेके $50 के दरमियान होनी चाहिए। और तीसरी चीज़ इसके ऊपर हमने जो चेक करनी होती है कि ये कीपा का ग्राफ है, ये हमें बता देता है कि बाई बॉक्स किस बंदे के पास। लेकिन ये अभी मैंने लगाया हुआ शायद नहीं, तो चले मैं ये लगा लेता हूँ। मैं बताता हूँ कि ये बाई बॉक्स हमें यहीं पे पता चल जाता है कि ये बाई बॉक्स लास्ट 3 मंथ में अमेजोन ने छोड़ा है या नहीं छोड़ा, क्योंकि हम प्रोडक्ट लगा के बैठा रहे बाई बॉक्स के ऊपर, अगर अमेजोन बैठा हुआ है तो हम जितनी मर्जी उसकी कम प्राइस कर दे, वो हमें उसके ऊपर सेल नहीं आनी। ठीक है, ये बाई बॉक्स यहाँ पे ये मैं लगा लेता हूँ, ये अभी थोड़ी देर पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमें पूरा ग्राफ लास्ट 3 मंथ का ये ग्राफ शो हो रहा है, इसके अंदर ये हमें ग्राफ बताता है कि जो बाई बॉक्स है ना अमेजोन के पास कितने टाइम रहा, थर्ड पार्टी के पास कितने टाइम ये रोटेट किया है इस बाई बॉक्स ने। और इसके पास ये हमारे पास नीचे एक और ग्राफ खुला, ये हीलियम 10 का ग्राफ है। ये ग्राफ हमें बताता है जो इस प्रोडक्ट की सेल्स रेवेन्यू या रेटिंग या रैंक है ना, वो कितना है। ठीक है, ये जो सेल्स रैंक है ये हमारा अपोजिट चलता है, यानी कि जितना ज़्यादा नीचे की तरफ होगा 0, 2, 3, 4, 5 ये उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितना ज़्यादा ये ऊपर की तरफ जाएगा उसका मतलब वो प्रोडक्ट के ऊपर सेल नहीं आ रही, वो बहुत ज़्यादा देर तक वो वेयर हाउस के अंदर वो प्रोडक्ट पड़ी रही है, उसके ऊपर कोई अच्छी सेल नहीं है। तो अब हमें ये भी 90 डेज के ऊपर, ये ऊपर 24 घंटे, 7 डेज, 3 डे, 30 डेज, 90 डेज, 1 ईयर, ऑल टाइम। ठीक है, ये हमारे पास ग्राफ शो करवाता है, हमने 90 डेज के ऊपर क्लिक करना, और यहाँ से लेके और यहाँ तक हमने चेक करना है यार इसकी इसके इसके दरमियान में सबसे ऊपर इसकी डेट आ रही है, नीचे इसका सेल्स रैंक आ रहा है, न्यू प्राइस आ रही है, लिस्ट प्राइस आ रही है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब ये प्रोडक्ट यहाँ 3 महीने पहले जिस बंदे ने ये लगाई थी, जिसने बेची थी, उसकी 7/9/21 को जब ये प्रोडक्ट लिस्ट की गई है, उसका सेल्स रैंक 1 था, यानी कि नंबर 1 सेल्स रैंक था। इसका मतलब है इसके ऊपर डेली के 200-400 ऑर्डर आते हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर, और उसकी जो प्राइस थी वो 7 थी लिस्ट प्राइस, यानी कि जो बाद में जितने में कंपटीटर उसके साथ आते गए वो लिस्ट को अपनी बढ़ाते गए। हमने हमें जो इसमें सबसे मेन चीज़ चाहिए वो हमें सेल्स रैंक चाहिए कि यार इसका सेल्स रैंक है ना ये कितना है। तो हमने यहाँ से लेके यहाँ तक चेक करना है कि इसका सेल्स रैंक कितना अबव गया और कितना कम से कम रहा है। तो जितना मैंने अपोजिट चल रहा है चलता है ये, जितना ज़्यादा 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 ये 50-50,000 तक भी जाता है, जो हमारी लिमिट है। हमने देखना सेल्स रैंक 0 से लेके 30,000 तक जाना चाहिए, 30,000 तक सेल्स रैंक जाना चाहिए, वो हमें अच्छी प्रोडक्ट उसको अच्छी यानी कि हॉट और सेलिंग प्रोडक्ट में उस प्रोडक्ट का नंबर आता है। अब इसका जो सेल्स रैंक है ये 1 है, इसका मतलब है कि ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है, तो इसको हम सोर्स कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब इसका सेल्स रैंक 4 है, अभी अभी जो स्टार्ट अभी शो करवा रहा है, अभी न्यू प्राइस है वो बाई बॉक्स जिसके बंदे के पास, ये भी अभी यहाँ पे बता रहा है कि अभी 12 पे बैठा हुआ, 12 पे बाई बॉक्स लेके बैठा। अब हमें ये पता चल गया कि जिस बंदे के पास बाई बॉक्स है वो $12 की इसको सेल कर रहा है। अब हमें पता चल गया कि यार ये प्रोडक्ट है हमारे क्राइटेरिया को मैच करती है। हमारे क्राइटेरिया में क्या क्या चीज़ें थी एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि हमने कोई भी प्रोडक्ट कैटेगरी है उसकी बेस्ट सेलर के अंदर आना, बेस्ट सेलर के अंदर आके हम कोई भी प्रोडक्ट उठाएंगे, उठाने के बाद उसको ये देखेंगे उसकी सबसे पहले इसकी रेटिंग इतनी है, एटलीस्ट 4 स्टार रेटिंग होनी चाहिए, उसके बाद उसका जो 5 स्टार 4 स्टार होने चाहिए, उसके बाद इसकी जो रेटिंग है वो 100+ होनी चाहिए, ये 100+ से ज़्यादा है। ठीक है, ये भी हमें कवर हो गया। इसके बाद इसकी जो प्राइस है वो $12 है, हमें हमारा क्राइटेरिया $5 से लेके $50 के दरमियान की चीज़ होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरी चीज़ है जो बाई बॉक्स है, इसमें अमेजोन ना बैठा हो, लेकिन इसमें अमेजोन बैठा हुआ है कोई इशू नहीं। इसके बाद एक और चीज़ है कि इसमें हमने ये देखना है कि यार ये सारी क्राइटेरिया हमारा मैच हो गया, अब ये प्रोडक्ट ड्रॉप शिपिंग हो रही है कि नहीं हो रही। हमें यहाँ से पता चलता है कि यहाँ पे 7 सेलर बैठे हुए हैं ऑलरेडी इसी प्रोडक्ट को इसी लिस्टिंग के अंदर बेचने के लिए। अब हमने फर्दर उनको चेक करना है कि ये सबसे ऊपर शिप फ्रॉम अमेजोन सोल्ड बाय अमेजोन, इसका मतलब है कि शिप भी अमेजोन कर रहा है, सोल्ड भी अमेजोन कर रहा है। शिप अमेजोन अपने वेयर हाउस से शिप करवा रहा है, सोल्ड भी अमेजोन खुद है, इसका ऑनर खुद है उसने। लेकिन एक यहाँ पे एक उसने
फ्री डिलीवरी वाले ऑप्शन लगाई हुई है कि अमेजोन प्राइम पे जिस भी बंदे के पास जो वहाँ पे बायर होते हैं ना उनको एक प्राइम मेंबरशिप मिलती है जिसके ऊपर वो अपनी परचेसिंग करते हैं और 24 घंटे के अंदर उनको प्रोडक्ट डिलीवर हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अमेजोन ने एक चेक लगाया होगा जो $25 प्लस की शॉपिंग करेगा उसको मैं $12 के अंदर ये वाली प्रोडक्ट दूंगा। अब मोस्टली जो कस्टमर आते हैं जरूरी नहीं है वो $25 स्पेंड करें और उनको $12 के ऊपर वो फ्री शिपिंग लें, तो वो अगला ऑप्शन है। अगला ऑप्शन देखते हैं। अब दूसरे बंदे ने यहीं पर प्राइस लगाई है 14.26, ठीक है, ये डिलीवरी दे रहा है 11 जनवरी से फरवरी वाक तक, ठीक है। अब ये ड्रॉपशिपर है, ड्रॉपशिपर का ये पता है हमें यहाँ से चलता है कि जो जो इसे शिफ्ट फ्राम लिखा हुआ है, सोल्ड बाय लिखा हुआ है, ये शिप भी खुद कर रहा है, सोल्ड भी खुद कर रहा है, ठीक है। टारगेट सुप्रीम के नाम से किसी ने अपना स्टोर बनाया हुआ, इसी तरह उसके नीचे जो बंदा बैठा हुआ 14.46 लगा के बैठा, उससे नीचे 16.38 लगा के बैठा है, उससे नीचे 20 लगा के बैठा, 10 वाला बैठा। अब ये बंदा ने अपने जो शिपिंग टेम्पलेट है उसमें थोड़ी सी चलाकी करने की कोशिश की है कि 10 उसने रेट लगा दिया और उसने 9.95 डिलीवरी लगा दी, ये इसकी प्राइस उनसे भी एक्सटेंड कर जाती है, इसलिए ये लिस्ट में यहाँ इस नंबर पे इस नंबर पे शो हो रहा है। और उसके बाद ये 29.45 वाला बैठा। अब हमें ये यहाँ यहीं से पता चलता है कि वाकई ये प्रोडक्ट है, कोई भी ब्रांड है, ब्रांड को इस कोई गर्ज नहीं है, कोई भी बंदा इसको बेच सके क्योंकि ऑलरेडी इसको 7 लोग बेच रहे हैं, सारे ड्रॉप शीपर हैं। ड्रॉप शीपर का हमें यही से पता चलता है कि शिप फ्रॉम ये है, सोल्ड बाय ये है, ठीक है, कोई 10 लगा के बैठा, कोई 20 लगा के बैठा, कोई 16 लगा के बैठा हुआ है, ठीक है। अब हमने उसके बाद जो अगला हमने पॉइंट चेक करना होता है, हमने देखना है इनके पास इन्वेंट्री कितनी कितनी पड़ी है, ये हमें कैसे पता चलेगा। 14.26 वाला लगा के बैठा हुआ है, 14.46 वाला लगा के बैठा हुआ, इनके पास इन्वेंट्री कितनी है, कितने कितने यूनिट है जो इन्होंने अपने अपने स्टोर के अंदर शो करवाया या ऑफर लगाई हुई है। उसके लिए हमारे पास ये एक्सटेंशन है एड ऑन सेलर, ऑनलाइन सेलर एड ऑन, ठीक है, ये आपने कर लेनी, ये बिल्कुल फ्री है, ठीक है। इसको हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये यहाँ पे हमें रिजल्ट इसके शो करवा देंगे। भाईजान मुझे आवाज आना बंद हो गई है। हेलो, आवाज अभी मैं चुप कर गया हूँ यार, थक गया हूँ, अभी खुल रहा है। अभी वो चुप हुआ है यार, किसी को नहीं आ रही, उसको सांस तो लेने दो अल्लाह के बंदो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने कहा यार पता नहीं क्यों आवाज आना बंद हो गई है। ओके, अभी मैं ये बता रहा था कि जितने भी 7 सेलर बैठे हुए हैं यहाँ पे बेचने के लिए, हमने ये चेक करना होता है यार इनके पास कितने कितने यूनिट पड़े हुए हैं, तो हम अपनी हमें कौन सी प्राइस बेस्ट रहेगी कि हम अपने जो अकाउंट है उसके ऊपर या अपना स्टोर है उसके ऊपर ये इसकी प्रोडक्ट की हम कितनी प्राइस रखें ताकि हमारे पास एवरेज ऑर्डर आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे हमें ये शो करवा रहा है, ये वाला एक्सटेंशन है, ये टूल है एक एड ऑन सेलर एड ऑन, ठीक है, ये हमें बता रहा है कि अमेजोन के पास 9,000 यानी कि 999 ऑर्डर और ये यूनिट पड़े हैं अमेजोन के अफेयर है उसके अंदर। उसके बाद दूसरे नंबर पे $14.26 लगा के बैठा हुआ है, उसके पास 2 पड़े, उसके बाद नीचे भी 2 पड़े, 4 पड़े, 3 पड़े, यानी इसके मतलब है ये प्रोडक्ट हमारे लिए राइट अवे नहीं है, ठीक है। इस तरह के प्रोडक्ट के साथ इस तरह के प्रोडक्ट का हम नहीं लगाते अपने स्टोर के ऊपर, उसकी वजह यह है कि इसके ऊपर हमें नहीं सेल आनी क्योंकि अमेजोन के पास एक तो बाई बॉक्स है, दूसरा उसके पास 1,000 से ज़्यादा यूनिट पड़े हैं, जब ये सेल होगा उसके बाद देखेंगे कि हमारा नंबर आता है या नहीं आता, इस तरह के प्रोडक्ट को हम छोड़ देते हैं, ठीक है। अब हम कोई अगली कोई प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं ताकि हमें राइट अवे प्रोडक्ट मिलेगी और वाकई ये वाली प्रोडक्ट हमने बेचनी है। Uh,
अब ये अगली प्रोडक्ट खोली है, ये भी 5 स्टार है, ठीक है, इसकी रेटिंग है वो भी हमारे क्राइटेरिया को मैच करती है। हमारा क्राइटेरिया ये है कि एक तो 4 स्टार प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसकी जो रेटिंग है 100+ होनी चाहिए, ये 4,467 इसकी रेटिंग है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो प्राइस है वो $5 से लेके $50 के दरमियान होनी चाहिए, ये 18.29 है, ठीक है, ये भी हमारे लिए राइट अवे प्रोडक्ट है। उसके बाद इसके बाद जो बाई बॉक्स है वो किसके पास है, ये बाई बॉक्स भी अमेजोन लेके बैठा हुआ है इसके ऊपर भी, और बाकी चीजें कोई और प्रोडक्ट देख लेते हैं। इसके लिए और हाँ ये प्रोडक्ट, अब ये प्रोडक्ट है कि इस तरह के प्रोडक्ट को हम ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं, इस पे अमेजोन नहीं बैठा हुआ। ये वेरिएशंस के अंदर है, 32 अकाउंट है, पैक ऑफ 1 है, इसकी प्राइस है $16.42, ये बाई बॉक्स के ऊपर है जो इसकी सेल हो रही है। अब अपने बाकी क्राइटेरिया मैच कर लेते हैं कि इसके ऊपर भी वही 5 स्टार रेटिंग ठीक है, और इसका जो सेल्स रैंक है वो हम चेक कर लेते हैं नीचे से आके, ये सेल्स रैंक आ गया इसका 90 डेज के करके यहाँ से लेके यहाँ तक देखना कि यहाँ से लेके ये यहाँ तक हमने ये चेक करना है कि ये 30,000 क्रॉस ना किया हो इसने, ये सेल्स रैंक अभी 16 पे है, यानी इसका मतलब बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। ये दो चीज़ें चेक कर ली, और तीसरी हमने ये चेक करना है मिनिमम इसको जो सेलर बेच रहे हो ना वो 5 हों, 5 से कम वाले सेलर, जो प्रोडक्ट 5 से कम सेलर बेच रहे हैं वो हमारे लिए ड्रॉप शिपिंग वाली प्रोडक्ट नहीं होती, उसके ऊपर कभी भी वायलेट हो सकती है, ये ब्रांड कंप्लेन कर सकता है, या जो सेलर बैठे होते हैं वो ब्रांड अप्रूवल के साथ बैठे होते हैं वो भी हमें बाजू का तंग कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि वो ये मिथ यही है कि 5 सेलर से मुराद ये है कि मिनिमम 5 सेलर और मैक्सिमम 100 हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे, तो हमें ये देखना है कि ये कम से कम 5 सेलर बैठे हों, जो भी हम प्रोडक्ट को सोर टारगेट करने जा रहे हैं या लगाने जा रहे हैं इसके ऊपर 5 जो लोग हैं ना वो इसको ड्रॉप शिप कर रहे हो। अब हमें ड्रॉप शिप का यहीं से पता लगना है, शिप फ्रॉम ये कार्गोस डायरेक्ट है, उसके बाद ये 1932 का लगा के बैठा हुआ, ये कौन है, ये बैठा amazon.com सोल्ड बाय amazon, ये इस पर भी amazon बैठा हुआ, लेकिन amazon के पास बाई बॉक्स नहीं है, इसका मतलब ये वाली प्रोडक्ट हम भी बेच सकते हैं। 1932 के लगा के बैठा है, ये नीचे 3299 वाला बैठा है, 33 वाला, ये एक तो प्रोडक्ट है ये ड्रॉप शिप हो रही है, जितने भी लोग हैं बाई सेल्फ यानी खुद से ही शिप करवा रहे हैं। तो अब हमने ये एक प्रोडक्ट है, ये हमारा पूरा एक क्राइटेरिया है, उस क्राइटेरिया को मैच करती है। क्राइटेरिया के अंदर वही चीज़ एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ कि एक तो बेस्ट सेलर कैटेगरी हो, दूसरा उसकी रेटिंग है जो वो 5 स्टार होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि उसमें मिनिमम 5 सेलर बेचने वाले हो, चौथी ये चीज़ है कि उसके ऊपर बाई बॉक्स है, उसके थर्ड पार्टी बैठी हो। बाई बॉक्स के लिए ये वाला टूल यूज़ करते लेकिन अभी चल नहीं रहा मेरे पास, तो ये हमें बता देता है कि जो बाई बॉक्स है वो किसके पास है, लेकिन यहाँ से अदर ऑप्शन ये है कि हम 6 जो जितने लोग बैठे हुए वहाँ जाके भी देख सकते हैं, जो सबसे टॉप पे होगा उसी के पास बाई बॉक्स होगा। अब यहाँ पे जो बाई बॉक्स है वो थर्ड पर्सन के पास है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट हम भी बेच सकते, हम भी बाई बॉक्स विन कर सकते हैं, हमारा चांस बन सकता है। और पांचवी चीज़ ये है कि हमने ये देखना है कि जो सेल्स रैंक है ना वो 1 से लेके 30,000 के अराउंड होना चाहिए, इसके दरमियान होना चाहिए, जो इससे ऊपर निकल जाएगा 30,000 से इसका मतलब उसके ऊपर सेल नहीं आ रही, वो बहुत ज़्यादा देर तक वो प्रोडक्ट अपने हेलो आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ आ गई आवाज, नेट कनेक्शन थोड़ा प्रॉब्लम कर रही है। आ रही है, आ रही है आवाज, आ रही है। अब हमारा ये क्राइटेरिया था एक प्रोडक्ट को एनालिसिस करने का या चेक करने का, उसके बाद हमें ये पता चलेगा यार ये प्रोडक्ट अच्छी है, अब इसकी जो हमें इसकी सोर्सिंग करनी है। अब $6.42 की ये बाई बॉक्स के ऊपर बिक रही है, अब हमने देखना है यार इससे कम प्राइस में हमें कहाँ से मिलेगी। अब हमारे पास बहुत सारे स्टोर हैं जो जिससे हम जाके इसको फर्दर चेक कर सकते हैं, लेकिन 2-3 स्टोर है जिससे मैं ये प्रोडक्ट सोर्स करके प्रॉपरली दिखा देता हूँ। हमारे पास जो सबसे मेन सैम्स क्लब है, उसका नाम ना USA के अंदर, UK के अंदर डिफरेंट है, लेकिन अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं सिर्फ USA की, तो हम USA के स्टोर है उसमें सैम्स क्लब है, वॉलमार्ट है, टारगेट है, जिनसे हमें ये प्रोडक्ट सोर्स हो सकती है सस्ते पे। यानी अगर ये 16.42 की इधर बिक रही है, वहाँ हमें चाहिए कि ये 8-9 या 10 की ये हमें वहाँ से मिले,
और इसके ऊपर अमेजोन की फी चार्ज करवा के, क्योंकि हर प्रोडक्ट के ऊपर अमेजोन अपनी फीस चार्ज करता है 15% 12% कैटेगरी के हिसाब से होता है। अब हमने इस प्रोडक्ट की करनी है सोर्सिंग, ठीक है। अब जो ये प्रोडक्ट लिस्ट हुई है ये पूरी यानी कि ना ये जितना भी हम ये देख रहे हैं ये मेस कैफे, ठीक है, किसी भी बंदे का ब्रांड है जिसने आके ये प्रोडक्ट लिस्ट की है। अब उसके बाद उसने अलाउ कर दिया है कि बाकी के लोग भी इसको प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ये सबसे ऊपर ये हमें नजर आ रहा है, इसको टाइटल बोलते हैं, ये वाली जो इसका मेन कीवर्ड होता है इसको टाइटल बोलते हैं। नीचे इसके ये पांच बुलेट पॉइंट्स होते हैं, इसको बुलेट पॉइंट्स बोलते हैं। उसके बाद इसकी ये डिस्क्रिप्शन होती है, ये नीचे लिखी हुई सारी इसके बारे में, ये डिस्क्रिप्शन बोलते हैं इसको। ये सारा उसके अंदर आती है प्राइवेट लेबल के अंदर, लेकिन हम ड्रॉपशिप कर रहे हैं सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ ये चीज़ें। एक प्रोडक्ट जो लिस्ट करते हैं उन जो मेन पर्सन है ना जिसने ये ब्रांड लॉन्च किया, उसने ये सारी चीज़ें खुद से की होगी। अगर हम अपना प्राइवेट लेबल लॉन्च करते हैं यहाँ पे, ये सारी चीज़ें हमें खुद से करनी पड़ेंगी। ये रेटिंग लाने के लिए हमें कई साल गुजर जाएंगे। ये जितनी रेटिंग ये 44,567 आई पड़ी है, अगर ये रेटिंग लेके आने में हमारा कम से कम 2 से 3 साल का टाइम चाहिए। इसलिए प्राइवेट लेबल के लिए एक तो पैसा बहुत ज़्यादा चाहिए, दूसरा हमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। जब एक ब्रांड जिस बंदे ने ये बिल्ड किया उसने 4 या 5 साल इस पे मेहनत की है, उसके बाद उसने अलाउ कर दिया कि कोई भी बंदा मेरा ब्रांड को बेच सकता है यहाँ पे, अपनी प्रोडक्ट सोर्स करके डिस्ट्रीब्यूटरों से करे, होलसेलरों से करे, कहीं से भी लेके आए प्रोडक्ट और यहाँ पे बेचे। अब हमें ये एक बनी बनाई लिस्टिंग मिल गई। अगर हम खुद से अगर हम कहेंगे यार हम अपनी इस तरह की लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं, कर सकते हैं, अलाउ है हमें, हमारे पास स्टोर है, हमें अमेजोन अलाउ करता है कि ठीक है आप अपनी लिस्टिंग क्रिएट करें, हमें अपनी लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए ये पूरा एक इसकी SEO की हुई है सारी की ना, जो भी यहाँ पे आके कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड रेटिंग चेक करते हैं, रैंकिंग चेक करते हैं, उसके बाद ये इसकी पिक्चर्स है, तस्वीरें हैं, इसमें वीडियोज पड़ी हुई हैं साइड में। ये एक बहुत लंबा प्रोसीजर है प्राइवेट लेबल के अंदर, उसके लिए टाइम टेकिंग चाहिए, 1 साल चाहिए, उसके बाद मेहनत करें तब जाके आपके ऊपर सेल आएगी। अब हम इंस्टेंट सेल कैसे उठा सकते हैं, हमें एक बड़ी बनाई लिस्टिंग मिल गई है, जो स्टोर है 4-5 साल पुराना है, बस हमने अब प्रोडक्ट सोर्स करनी, हमें पता है 16.42 की बिक्री, हम कहीं से सस्ती इसको ला के अपने स्टोर के ऊपर लगाएंगे तो ये हमें भी रेवेन्यू जनरेट करके देगी। अब हर प्रोडक्ट का ना यहाँ पे एक मेन चीज़ जो बताना मिल गया, असाइन होता है, ये हर प्रोडक्ट का डिफरेंट होता है। जितनी भी प्रोडक्ट है तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट इस टाइम अमेजोन के ऊपर लिस्ट है USA मार्केट के अंदर। ये असाइन आइडेंटिफिकेशन एक नंबर होता है जो हर प्रोडक्ट को लहदा लहदा दिया जाता है, तो ये हमारा बड़े काम का होता है। इसको ये इसका आगे जाके फर्दर बहुत सारे उसके अंदर हमें यूज़ करना होता है, क्योंकि समटाइम लोग पूछते हैं कि हम क्या बेचते हैं, हम कुछ भी नहीं बेचते, हमें तो सिर्फ ये असाइन नंबर ही पता होता है कि यार इस असाइन के अंगेंस्ट कितनी सेल आ रही है, इस असाइन के अंगेंस्ट कितना रेटिंग है, कितना उसने जनरेट किया। क्योंकि जब हम अपने स्टोर के ऊपर जाएंगे फर्दर हम जाके जब लिस्ट कर रहे होते हैं, ये आपको लिस्टिंग के अंदर नजर आ जाएगा कि हम सिर्फ सिंपल इस साइन को कॉपी करते हैं, वहां जाके हमने लिस्टिंग के अंदर डालते हैं और अपनी प्राइस सेट करके ओके कर देते हैं। तो उसके नीचे हमें नहीं पता था कौन सी प्रोडक्ट लगी है, जब ऑर्डर आता हम उस ऑर्डर के अंगेंस्ट जाके देखते हैं, अच्छा यार ये असाइन के अंगेंस्ट ऑर्डर आया, इसको चेक करो मार्केट के अंदर। अब ये इस असाइन को अगर मैं कॉपी करके पेस्ट करके दोबारा से सर्च करता हूँ ना, यही वाला रिजल्ट हमें जो शो करवाएगा जो 32 KP है, ये अब हम चेक करवा देते हैं। यहाँ पे ठीक हो गया, ये मैं दोबारा पेस्ट करते हैं। अब ये पड़ा हुआ ठीक है, उस असाइन के अगेंस्ट उसने रिजल्ट शो करवा दिया, ये पड़ा नहीं, मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ये असाइन का चलो जब हम लिस्टिंग करेंगे उसमें मैं बता दूंगा, इसका बड़ा काम होता है। अब हमने कर लिया जनाबे वाली ये प्रोडक्ट, इसकी हमने सोर्सिंग की तरफ निकलते हैं। इसकी ये मेन कीवर्ड है, कीवर्ड को हमने कॉपी करना है मेस कैफे, ठीक है, सिंगल ये इसका मेन कीवर्ड है, इसको कॉपी कर लिया। अब हमने स्टोरों पे जाना, अदर जिस तरह का अमेजोन स्टोर है इसी तरह का ये मैंने खोल कर रखा हुआ सैम्स क्लब, ठीक है, ये भी एक ये ड्रॉप शिपिंग USA के अंदर ड्रॉप शिपर के लिए सबसे अच्छा जो स्टोर माना जाता है ना वो सैम्स क्लब भी है, ठीक है। इससे हमें जो भी प्रोडक्ट मिलती है एक तो लो प्राइस के ऊपर, उसके बाद इनकी जो डिलीवरी टाइम है वो हमारे डिलीवरी टाइम के साथ
मैच करता है कि हमने अगर 3 दिन में डिलीवर करनी है कस्टमर तक, ये हमें 3 दिन के अंदर डिलीवरी पहुंचा देता है, इसकी मेंबरशिप लेनी पड़ती है, वन टाइम परचेजिंग होती है, $100 की मेंबरशिप आपको मिल जाती है, उसके ऊपर भी आप 1 साल के अंदर अंदर वो मेंबरशिप रिटर्न करना चाहें उसके आपको पूरा $80 आपको रिटर्न कर देते हैं। हमने वो कीवर्ड कॉपी किया, यहाँ पे आके इसको सर्च किया, इसको वो कीवर्ड नहीं था, कीवर्ड परफ्यूम रोस्ट मीडियम, परफ्यूम रोस्ट ये इसका कीवर्ड बनता। अब यहाँ पे आ गए हमने, ये प्रोडक्ट मिल तो गई है लेकिन ये 32 कप है और सारी चीजें इसमें जो भी इसकी तस्वीर है, इसकी इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स हैं वो चेक करने हैं, इसका साइज चेक करना है, इसके अंदर कितने बाय कितने का है, कितने वेट का है, वो हमने सेम प्रोडक्ट उसी तरह की चेक करनी है, यानी उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अब ये वाली प्रोडक्ट है, ये परफ्यूम रोस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर ये हमें 35 OZ का है, इसी ब्रांड का है, नेस्कैफ का है, ठीक हो गया, ये भी चीज ओके होगी। अब ये शिपिंग पे फिल वक्त ये आउट ऑफ स्टॉक पड़ा हुआ है सैमसंग क्लब पे, तो ये यहाँ पे इसकी जो प्राइस है वो 13.68 आ रही है। ये चीज़ है, इधर चेक कर लेते हैं, ये चीज़ है, सिर्फ इसकी पैकिंग है थोड़ा सा डिफरेंस है, परफ्यूम रोस्ट मीडियम 32। ये 35 आवाज आ रही है, कोई बंदा बताएगा मुझे? हाँ जी आवाज आ रही है दानिश, और 5 मिनट के बाद मीटिंग ऑटो एंड हो जाएगी, मैं फिर दोबारा कनेक्ट कर लूंगा क्योंकि टाइम लिमिट कंप्लीट हो गई। हाँ चलो, ये मैं बता रहा था इसकी सोर्सिंग, ये फर्ज करके ये प्रोडक्ट है लेकिन इसमें थोड़ी सी ये उससे ज्यादा वो 32 OZ की, ये 35 OZ की है, ठीक है, बाकी ऑलमोस्ट ये ब्रांड वही है, इसका फ्लेवर वही है, सारी चीज़ वही है। इस तरह की हम प्रोडक्ट को उठा सकते हैं, भेज सकते हैं, क्योंकि हमने कम नहीं भेजनी, अगर 1-2 पॉइंट ज़्यादा हो वो हम भेज सकते हैं। अब ये वैसे आउट ऑफ स्टॉक पड़ी हुई है इस टाइम ना, ये क्योंकि आज वीकेंड है, सैटरडे है, संडे, सैटरडे संडे को मोस्टली प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक चली जाती है क्योंकि इन दिनों में ऑर्डर बहुत ज़्यादा लगता है, तो ये मंडे तक वैसे स्टॉक के अंदर आ जाएगी। अभी ये प्राइस शो करवा रहा 13.68 की, ठीक है, हमें जो यहाँ पे बाई बॉक्स पे बेचनी है वो 16.42 वाला बंदा बैठा हुआ है। अब हमें इसमें 15% अमेजोन की फी भी चार्ज कर दी है, और हमें वो कैसे, ये नीचे कैलकुलेटर निकल रहा, ठीक है, और हम बिल फर्ज इसी प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि यार हम बाई बॉक्स के ऊपर बेच लें, 16.42 वाला बंदा बैठा हुआ है, हम 16.40 लगा के बैठ जाते हैं, इधर आते हैं 16.40, ठीक हो गया, ये हमें सोर्स हो रही है फ्री शिपिंग के साथ $13.68 के अंदर। इधर आगे हम 13.68 लिखते हैं, 13.68,
ठीक है, ये हमें 0.26 सेंट यानी कि इसके ऊपर हमें प्रॉफिट आएगा अगर हम बाई बॉक्स के ऊपर बैठ के बेचते हैं इसको। लेकिन हमारा ये क्राइटेरिया होता है, हम कोई भी प्रोडक्ट जो सेल करते हैं इस रेंज के अंदर एटलीस्ट हमें $2 प्रॉफिट होना चाहिए उसमें। अब हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं कितना कितना स्टॉक लेके बैठे हुए हैं, ताकि हम उस स्टॉक के उनसे नीचे जाके थोड़ा प्राइस बढ़ा के उनसे नीचे जाके बैठ जाते। जैसे ये ऊपर वाला अब एक बंदा बैठा हुआ है 16.42 लगा के जो बाई बॉक्स पे बैठा हुआ, उसके पास 10 का स्टॉक है, उसके बाद वाले बंदे का 19.32 लगा के बैठा, उसके पास भी 10 का स्टॉक है। ये 10-10 का स्टॉक अगर आप सुबह उठ के यही दोबारा लिस्ट खोल के देखेंगे तो ये सारे आउट ऑफ स्टॉक है, चले जाएंगे। उसके बाद हमें ये एक और प्राइस मिल रही है 32.99, यहाँ पे 9 स्टॉक लेके बैठा है। हम कहते हैं कि चलो हम फर्स्ट पे नहीं बैठते, हम तीसरे नंबर पे जाके बैठ जाते हैं। ये 32.99 लगा के बैठा, हम 32.90 लगा लें या 32 अकेला लगा लें, 32 जितने जो भी प्राइस है आप इसमें से सेट कर लें जिसमें आपको एटलीस्ट $2 प्रॉफिट हो रहा है। अभी हमने इधर लगा देते हैं जनाबे वाले 32.99 पे तीसरे नंबर पे बैठा, हम अगर 32.80 भी लगाते हैं तो हम तीसरे नंबर पे आ जाएंगे। और हम सिंपल ये इसमें ये हम हमारी सेलिंग प्राइस होगी ऊपर 32.80 हमें प्रोडक्ट कॉस्ट कर रही है 13.68 की, और अमेजोन जो हमसे 15% चार्ज कर रहा है वो 4.92 है, और हमें जो नेट प्रॉफिट मिल रहा है वो 14.20 है। अब अगर हम तीसरे नंबर पे बैठ के बेच देंगे सुबह तक हमें इसके ऊपर ऑर्डर आ जाएंगे, क्योंकि इसका जो सेल्स रैंक है वो हमें ये बताता है कि यार इसके जो पर डे इसकी जो रेवेन्यू है ना वो 200+ यूनिट इसके ऊपर सेल हो रहे हैं। तो अब हमें हमारे लिए राइट प्रोडक्ट यही होगा कि हम तीसरे नंबर पे बैठे हैं 32.80 के लगा के बैठे, हम अपने ऑफर लगा देंगे जाके 13.68 के अंदर। एक पूरी प्रोडक्ट हमने हंट कर ली, सोर्स कर ली, ठीक है। ये पूरा क्राइटेरिया था जिसके ऊपर हमने पहले बात की है कि यार एक प्रोडक्ट को हंट कैसे करते हैं, उसमें हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है, उसके बाद हमने उसकी सोर्सिंग कहाँ से करनी है। अब ये एक स्टोर था, अब इसी तरह का अगला स्टोर एक मैं खोल लेता हूँ वॉलमार्ट का, जहाँ से हम चीज़ें सोर्स कर सकते हैं डब्ल्यू।